गुड इवनिंग गुलशन जी, वेलकम। मिस्टर राज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मिस्टर अनुसुईया, गीत, सचिन, हेलो। गुजरात से भी कोई है? हेलो सर। गुलशन जी, जेनिफर जी, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ अमूल एंड ओवन्स अप बाय मधु। मेरा नाम है मधु और मैं हूँ ओवन्स अप इंदौर से। वी आर बेसिकली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रेनोला बार्स एंड ग्रेनोला, एंड उसके अलावा वी डू फूड स्टाइलिंग, रेसिपी क्यूरेशन, फूड फोटोग्राफी एट्सेट्रा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा काम देख सकते हैं, रेसिपीज देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, एंड आर इंस्टाग्राम हैंडल इज ओवन्स अप बाय मधु। एंड आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं ओवन्स अप के नाम से। एंड यस, मिस्टर मोहम्मद, प्रवीण जी, संजीव जी, एंड यस, वेलकम एवरीवन। शशि ठाकुर जी, थैंक यू। एंड तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है गुलकंद एंड चॉकलेट ट्रूफल्स। ट्रूफल्स आर लिटिल चॉकलेट बॉल्स जिनको एक स्पेशल टेक्निक से बनाया जाता है। जनरली उसमें क्रीम और चॉकलेट का मिश्रण होता है, जिसे थोड़ा हार्ड करके देन उसके बॉल्स बनाए जाते हैं और कोको पाउडर में उसे लपेटा जाता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू मेक ट्रूफल इन अ डिफरेंट स्टाइल, विच इज़ ऑल्सो अ बेसिक ट्रूफल स्टाइल। तो आज हम यूज़ करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और अमूल के कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स। सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज मधु नहाटा फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर और हम शुरू करते हैं ये रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए अपने पेज पे, अपने फ्रेंड्स के पेज पे, अपनी फैमिली के साथ। एंड अगर इस रेसिपी को आप बनाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा, टैग करिए अगर पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो। मामीसा, गुड इवनिंग। एंड अलका जी, विकास जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेट मी जस्ट सेट माय कैमरा वंस एंड वी विल गो इन द डिटेल्स ऑफ द रेसिपी। सो बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है आज की हमारी और इसको झटपट हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम वेरी 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 ब्यूटीफुल अमूल प्रोडक्ट्स जो कि बहुत डिलिशियस होते हैं और हम सब उनको यूज करते हैं। सो आई विल जस्ट स्टार्ट बाय पुटिंग द पैन ऑन द गैस। आई थिंक ये विजिबल है। हेलो हेलो एवरीवन, आई विल सी ऑल द कमेंट्स लेटर। शुरू करते हैं रेसिपी से। तो आज हम यूज करने वाले हैं अमूल का देसी घी यहाँ पे, एंड आई एम गोइंग टू ऐड एक पैन में मैं अबाउट 1 टेबलस्पून मैं घी डाल रही हूँ इसमें। और इसमें अब हम डालेंगे अबाउट 3/4 कप ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, जो नारियल का भूरा होता है वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा सा और, मे बी एग्जैक्टली अबाउट 1 कप मैं ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया है, इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ सो दैट घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हम सबके घर में अवेलेबल होती है। ये मैं डाल रही हूँ अबाउट 1/4 to 1/2 teaspoon। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। सो मैं बेसिक फ्लेवरिंग पसंद करती हूँ, मुझे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स पसंद नहीं है और कभी कभार अच्छे लगते हैं बट यूजुअली मैं नहीं प्रेफर करती हूँ। आप कोई भी फ्लेवरिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे वेनीला और आजकल तो बहुत सारे फ्लेवर्स, रस मलाई, बबल गम एट्सेट्रा बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। अब डेसिकेटेड कोकोनट जो है ये बहुत जल्दी से ब्राउन होने लगता है, सो वी नीड टू बी केयरफुल। फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे रखी है, नॉट इवन लो एंड नॉट इवन हाई। मैं इसमें डालने जा रही हूँ तिल,
सो मैंने अबाउट 4 टेबल स्पून तिल लिया है यहाँ पे, ओके वो मैं डाल रही हूँ इसके साथ, और इसको भी मैं टोस्ट करूँगी विथ आवर अमूल घी एंड डेसिकेटेड कोकोनट, यानी जो बूरा हमने लिया था कोकोनट का। एंड उसके अलावा अब मैं डालने जा रही हूँ, मैंने बादाम लिए थे और बादाम को मैंने रोस्ट किया और फिर इस तरह का पाउडर बना लिया, यू नो बिल्कुल फाइन पाउडर मैंने बना लिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा दरदरा रख सकते हैं, बट आई नीड अ फाइन पाउडर। आप चाहें तो इसमें कैशनट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैशनट्स का पाउडर यूज़ करें या वॉलनट्स का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट आई लाइक एलमंड्स, मेरी फैमिली को एलमंड्स ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एलमंड्स को सेक लिया बिल्कुल हल्का सा, ओके एंड उसमें मैंने उसको फिर बाद में ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सर में इस तरह से इसका फाइन पाउडर बना लिया है। सो दिस रेसिपी इज़ वेरी इजी टू मेक। मैं डाल रही हूँ अबाउट हाफ कप ऑफ दिस आलमंड पाउडर हियर। अगर आप वीगन हैं या पैलियो डाइट फॉलो करते हैं तो आप जो घी है उसकी जगह पे कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, ओके उससे भी टेस्ट बहुत शानदार आता है एंड इट बिकम्स रियली वेरी टेस्टी। थोड़ा सा मैं और इसमें आलमंड पाउडर ऐड करूँगी, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। सो मैंने अभी तक लिया है हाफ कप ऑफ आलमंड पाउडर इन दिस, ठीक है इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे तब तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, मैंने लिया था अमूल घी, उसके बाद मैंने इसमें डाला डेसिकेटेड कोकोनट, फिर मैंने डाला इसमें तिल, और फिर मैंने डाला आलमंड का पाउडर जो ऑलरेडी रोस्टेड था, ठीक है। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन, इसे हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है। आई एम श्योर दिस इज विजिबल एंड आप इसका जो चेंज ऑफ कलर है, आई विल ब्रिंग दिस क्लोजर, देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन पिंक जैसा ये कलर हो गया है। सो मे बी जस्ट वन मोर मिनट एंड वी कैन गो अहेड इन द प्रोसेस। सो आज हम बना रहे हैं गुलकंद एंड चॉकलेट ट्रूफल्स, जो कि एक बहुत ही शानदार दिवाली रेसिपी है। आप इसको बनाएं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, खुद के लिए, एंड चाहे तो ईद पे बनाएं, होली पे बनाएं, रक्षाबंधन पे बनाएं, या ऐसे ही वीकेंड पे बना लें, या मिड वीक कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। सो आई थिंक ये टोस्टिंग का काम हमारा हो गया है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब इसमें हमें कुछ लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, सबसे पहले मैंने कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरिन लिया है, केसर, जिसको मैंने वार्म मिल्क में 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, सो दैट वो अच्छी तरह से इसमें उसका कलर आ जाए। सो मैं उसको डाल दूंगी यहाँ। फिर हल्का सा इसको मिला देंगे। गैस मैं बंद कर चुकी हूँ, ये मैंने डाल दिया सो दैट ये चिपके, इसे हिला दीजिए, ये चिपक सकता है बिकॉज इट इज इन मिल्क, ओके। सो केसर हम इसमें मिला चुके हैं, आगे चल के हम इसको और अच्छी तरह से मिलाएंगे, ठीक है। नाउ अब मैं इसमें जो स्टार इंग्रेडिएंट है हमारा अमूल का, पहले हमने अमूल घी यूज किया, अब मैं अमूल का कंडेंस्ड मिल्क यूज करने वाली हूँ, अमूल मिठाई मेट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस। दिस इज अ स्मॉलर पैकिंग, आई रियली लाइक दिस पैकिंग बिकॉज यूजअली जो 400 ग्राम्स की पैकेजिंग आती है वो एक टाइम में, चाहे आप केक बनाएं चाहे कोई भी चीज़ बनाएं, उसमें बहुत ही ईजिली यूज नहीं होती है एंड उसे रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई लाइक दिस मच बेटर। तो इसमें हम थोड़ा सा पहले अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे हमें कितना इसमें और कंडेंस्ड मिल्क चाहिए। एंड अब हम इसमें डालेंगे हमारा नेक्स्ट स्टार इंग्रेडिएंट जो है, दैट इज गुलकंद।
ओके गुलकंद पेस्ट मैंने ली है, हल्का सा मैंने इसमें पानी मिला दिया था बिकॉज जो मेरे पास गुलकंद था इट वॉज रियली स्टिफ। ओके ये मैं इसमें मिलाऊंगी, नेचुरल स्वीटनर का काम करेगा, ठंडक का भी काम करेगा, दिल को दिमाग को सभी तरीके से। सो बहुत ही शानदार बनने जा रही है ये रेसिपी। आई विल जस्ट टेक दिस क्लोजर टू मी सो दैट इट इज ईजियर टू वर्क। लेट मी जस्ट गेट दिस डाउन एंड सेट द कैमरा। ओके सो आज हम बना रहे हैं गुलकंद एंड चॉकलेट ट्रूफल्स। चॉकलेट का रोल इसमें बाद में आएगा, पहले अभी हम मिक्स कर रहे हैं हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स। हमने घी लिया, उसको मेल्ट किया इन अ पैन, अबाउट 2 teaspoons ही घी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अमूल का। उसके अलावा फिर मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, मैंने आलमंड का पाउडर डाला है, तिल डाला है, सीड्स डाले हैं डायरेक्टली। ओके एंड देन मैंने गुलकंद भी डाला है और कार्डमम पाउडर डाला है, इलायची का पाउडर, और उसके अलावा मैंने कंडेंस्ड मिल्क अमूल का मिठाई मेट इसमें डाला है। ओके और मैंने इसमें सैफरिन जिसको यानी केसर जिसको मैंने ऑलरेडी दूध में मिला के रखा था उसे डाला है। सो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल फ्लेवर एंड येलो कलरिंग इसमें आ गई है। सो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। गुलकंद आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा वो सख्त हो सकता है या फ्लोई भी हो सकता है, जैसा भी गुलकंद हो आप डालिए उसमें, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगी। जब गुलकंद और यू नो डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क में ये जो मिठाई मेट है अमूल का, ये सब जब मिक्स हो जाते हैं तो टेस्ट बहुत ही शानदार आती है। तो ये हमारा ट्रूफल का मिक्स ऑलमोस्ट रेडी है, हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना है बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विथ इट। कई बार जब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करते, याद रखिए हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है वरना इसके बॉल्स नहीं बन पाएंगे यानी ट्रूफल्स नहीं बन पाएंगे, ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तो आप फिर से अमूल मिठाई मेट या थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके अब हम चेक कर लेंगे, यस दिस इज परफेक्ट, इस तरह से बन जाना चाहिए। ओके सो अब हम इसे फॉर अ फ्यू मिनट्स ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। लेट मी जस्ट क्लीन माय हैंड। ओके सो जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है चॉकलेट। मैंने यहाँ पे यूज की है अमूल की डार्क चॉकलेट, आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप फ्लेवर चॉकलेट मत यूज करिए इसमें अमूल की, लाइक फ्रूट एंड नट एटसेट्रा। वैसे तो बहुत जबरदस्त फ्लेवर्स आते हैं अमूल की चॉकलेट्स के एंड इसका टेक्सचर भी बहुत सिल्की और स्मूथ होता है, बट आई लाइक डार्क चॉकलेट बेस्ट विथ 55% ऑफ कोको इन इट। उसको मैंने ले लिया है एंड इसमें मैंने 1 teaspoon ऑफ ऑयल ऑलरेडी डाल दिया था, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बट बटर इन दिस वेदर व्हेन इट इज रेनिंग विथ चॉकलेट डजंट गो वेरी वेल। अब मैं इसको माइक्रोवेव करूंगी एंड वी आर गोइंग टू जस्ट मेक दिस रेडी फॉर आर नेक्स्ट प्रोसेस। हल्का सा इसे मेल्ट करके रख लेंगे, फिर हम इसे पाके और मेल्ट करेंगे। सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, माई नेम इज मधु नाहटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। आज हम बना रहे हैं गुलकंद एंड चॉकलेट ट्रूफल्स। एक बार मैं रेसिपी और रिपीट कर देती हूँ। मैंने लिया घी, उसमें डाला डेसिकेटेड कोकोनट, आलमंड जो रोस्ट किए थे उसका मैंने पाउडर बना लिया वो इसमें डाला है, और मैंने सेसमी सीड्स यानी कि तिल के सीड्स डाले हैं, मैंने कार्डमम पाउडर डाला है, और मिल्क में थोड़ा सा मैंने सैफरिन मिलाया था वो डाला है, अबाउट 2 teaspoons ऑफ मिल्क जो गर्म था और 1 घंटे पहले मैंने भिगोया था उसको। एंड उसके अलावा मैंने इसमें डाला है मेन इंग्रेडिएंट अमूल का मिठाई मेट यानी कंडेंस्ड मिल्क, वो इसमें डाला है, और हल्का सा इसे ब्राउन होने तक मैंने रोस्ट किया है ऑन लो फ्लेम, लो टू मीडियम। ओके तो ये हमारा इस तरह से मिक्सचर तैयार हो गया था एंड अब हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में, जब तक हमारी चॉकलेट जो
अमूल डार्क चॉकलेट है, उसको मैंने उसके उसके पीसेस कर लिए थे एंड उसको ऑयल के साथ मैं मेल्ट कर रही हूँ. थोड़ा सा ऑयल डालना होता है, अबाउट अ टीस्पून. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस. हम अपनी चॉकलेट चेक कर लेते हैं बीच में. सो आवर चॉकलेट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी. आई होप ये आपको विजिबल है. ओके, नाउ आई थिंक दिस इज विजिबल. इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी चॉकलेट को. चॉकलेट हमें अंदर मिक्स नहीं करनी है, ऊपर से हमें लगानी है ऑन फ्यू. ओके, चॉकलेट को जितना अच्छी तरह से और फास्ट आप बीट करते हैं उतनी ही उसमें शाइन और ग्लेज आती है. वैसे तो अमूल की चॉकलेट्स होती ही बहुत ज़ोरदार और डिलिशियस है और उसमें एक अपनी ही शाइन होती है, बट ये टेक्निक जो आप यूज़ करते हैं ऑफ विपिंग इट मेक्स इट रियली शाइनी एंड स्मूथ. ओके, अभी के लिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ. मे बी वी विल नीड टू रीहीट दिस. हम शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग ट्रूफल्स यानी बॉल्स फ्रॉम दिस. हाथों में मैं थोड़ा सा घी ले रही हूँ सो दैट इट डजंट स्टिक टू माई हैंड्स. जस्ट रब इट, घी लगा लीजिए एंड देन लेट्स स्टार्ट मेकिंग दीज ट्रूफल्स. आई होप दिस इज ऑल विजिबल. सो मैं हाथ में इस तरह से बॉल्स बना रही हूँ ट्रूफल के. आज हम बना रहे हैं गुलकंद एंड चॉकलेट ट्रूफल्स. वेरी ईजी टू मेक. कंडेंस्ड मिल्क इसमें चार चांद लगा देता है. ओके, सो ये फर्स्ट ट्रूफल इज रेडी. जैसे ये हमारे ट्रूफल रेडी हो जाएंगे कुछ, इनको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे क्योंकि बाद में हमें इन्हें चॉकलेट में कोट करना है. कुछ हम डेसिकेटेड कोकोनट में रोल करेंगे. ये एक बहुत ही शानदार गिफ्ट होगा ऑन दिवाली, जो आप घर में बना के इंस्टेड ऑफ लड्डू एवरी टाइम है तो इंग्रेडिएंट्स वही लड्डू वाले, पर थोड़ा सा हम इसको चेंज करके बहुत फ्यूजन डिश है ये, आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं और सब बहुत खुश हो जाएंगे कि वाह क्या चीज़ बनाई है, इतने प्यार से, इतनी लगन से और नए तरीके की चीज़. सो गुलकंद एंड चॉकलेट ट्रूफल्स बनाइएगा इस बार आप जो भी फेस्टिवल मनाते हैं या इवन अदरवाइज किसी के घर जाते हैं तो कुछ हाथों से बनाया हुआ जो चीज़ होती है उसकी बात ही अलग होती है. सो देखिए अंडर 10-15 मिनट्स ये रेडी हो जाएंगे एंड इंग्रेडिएंट्स मोर और लेस सबके घर में अवेलेबल होते हैं. अमूल का मिठाई मेट आप ला के रख लीजिए घर में, बहुत यूज़फुल होता है. एक्सपायरी भी उसकी काफ़ी लंबे समय की होती है सो काफ़ी चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इवन इन मेकिंग कोल्ड कॉफ़ी एट्सेट्रा. दैट रेसिपी वी विल डू सम अदर टाइम. थोड़ा सा छोटा है, आई वॉन्ट देम टू बी इक्वल. सो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी. ओके, सो ये हमारे ये थोड़ा सा फिनिशिंग बराबर आप दे दीजिए. आई विल जस्ट कीप दिस इन द फ्रिज इसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, फर्म करने के लिए बेसिकली. तब तक हम सेकेंड लॉट बना लेते हैं जिसके लिए मुझे लगेगा थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा हुआ कोकोनट मैं लूंगी उसमें रोल करने के लिए. सो मैं यहाँ पे इस तरह के एक डीप बाउल में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ लाइक दिस. यहाँ नारियल का बूरा मैं ले रही हूँ. सॉरी अबाउट दैट नॉइज. फिर से हाथों को ग्रीस कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग द सेकेंड राउंड ऑफ दीज ट्रूफल्स. डिलिशियस डिलिशियस ट्रूफल्स. आप चाहें तो इस आलमंड्स की रिप्लेसमेंट में आप कैश्यू नट्स भी ले सकते हैं. ओके, कैश्यू नट्स के पाउडर को रोस्ट करने की या कैश्यूज को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, अब ये जो हमारा ट्रूफल बन गया है इसको मैं डायरेक्टली डिप कर दूंगी इन दिस डेसिकेटेड कोकोनट. प्रॉपरली डिप करूंगी सो दैट हर तरफ से ये कोट हो जाए.
एंड मैं इसको प्लेस कर दूंगी इन आवर प्लेट. टुवर्ड्स द एंड मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है. मे बी राइट नाउ. सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रूफल रेडी. ओके, हम दो तीन और बनाएंगे. तब तक हमारा जो रेफ्रिजरेटर में सेट हो रहा है ट्रूफल्स, उसे गार्निश करने का टाइम हो जाएगा. सो हियर एंड देन हियर यू गो. इस तरह से कोट कर लीजिए. सो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ मधु एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर. आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम. आवर पेज नेम इज़ ओवन्स अप बाय मधु. आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट्स, ovensup.com. आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं ओवन्स अप के नाम से, OVENSUP. एंड आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए अपने पेज पे, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के थ्रू, एंड अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए. हो सकता है किसी दिन वो ही आपको ये बनाकर सरप्राइज दे दें. फैमिली को भी शेयर करिए. सो इट्स अ वेरी गुड रेसिपी. इसे सेव करके रखिएगा एंड फॉर दिवाली यू कैन मेक दिस न्यू काइंड ऑफ स्वीट. एंड आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे. सो दिस इज़ द लास्ट वन दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट. तो इसमें हमने लिया था सैफ्रन, कार्डमम, हमने लिया तिल, हमने लिया डेसिकेटेड कोकोनट, हमने लिया आलमंड, रोस्टेड आलमंड का पाउडर, हमने लिया कंडेंस्ड मिल्क, और उससे हम और गुलकंद हमने इसमें मिलाया. ओके, और हमने बनाए इससे 8 ट्रूफल्स. ओके, अब इसको भी हम कोट कर देंगे. ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है. और ये मुंह में इतने सॉफ्ट हैं, मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे. लेट मी जस्ट क्लियर दिस मेस प्लीज एंड वी कैन प्रोसीड विद द रेसिपी देन. लेट मी जस्ट क्लीन दिस. इसको लाइक और शेयर करिएगा. इस आई थिंक इट इज विजिबल. कैसे लग रहे हैं मुझे बताइए. अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, रेसिपी पूरी नहीं हुई है. हमने चॉकलेट यहाँ मेल्ट करके रखी थी. ओके, एक बार और इसको फेंट लेंगे. अब मैं यहाँ पे जो हमने दूसरे ट्रूफल्स बना के रखे थे, हियर फ्रिज में मैंने इनको रख दिया था, ये मैं बाहर ले आई हूँ. ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ, वी विल जस्ट नीड अनदर फ्यू मिनट्स टू फिनिश दिस. मैं इन ट्रूफल्स को, मैंने एक पार्चमेंट पेपर यानी बटर पेपर मैं ले रही हूँ और वो मैं इस डिश में लगा रही हूँ. ठीक है, और अब आप देखिए कि मैं किस तरह से इनको रोल करती हूँ इन, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ. चॉकलेट में डिप करना है डायरेक्टली. सो मैंने एक ये बॉल लिया और उसको चॉकलेट में अच्छी तरह से रोल कर लिया फ्रॉम ऑल द साइड्स. ओके, जेंटली आप काम करेगा इसके साथ. ओके, दिस फर्स्ट इज़ डन एंड इसको मैं इस पार्चमेंट पेपर पे डाल देती हूँ. ओके, आई विल डू सिमिलर फॉर द सेकेंड वन. हम कोट कर रहे हैं चॉकलेट, अमूल डार्क चॉकलेट में इन ट्रूफल्स को. ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ. देखिए इसको आप फ्रिज में रखिए फॉर सम टाइम सेट होने के लिए. अब ये जो बाकी के 2 हैं इनको मैं थोड़ा अलग स्टाइल में बनाना चाहती हूँ. आप चाहें तो सभी को कोट कर सकते हैं, बट आई रियली लाइक टू डू डिफरेंट स्टाइल्स. ओके, सो मैं जस्ट इसके ऊपर ये zigzag मूवमेंट से थोड़ा सा यहाँ पे चॉकलेट लगाना चाहती हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट टू रोल इट कम्प्लीटली. ओके, जस्ट वेरी लिटिल, ओनली एट सम प्लेसेस आई लाइक इट.
तरह से, और अब मैं इसको फॉर अ फ्यू मे बी 1 मिनट मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, देखते हैं कितना सेट होता है. ओके, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू सेट एटलीस्ट 10 मिनट्स, बट लेट मी जस्ट ट्राई. By the time, let me see if there are any questions. Okay. So, no questions. Deepak ji, Ramesh ji, and Mr. Vansh, Divya ji, and Ranjana ji, Vatsal ji. Thank you all for watching. Mr. Elias, hello. Arijit Singh ji, hello, thank you for joining and for all the compliments. Thank you Leena ji and Mr. Mishra etc. तो अब मैं हमारे पास हमें 2 मिनट्स का टाइम वेट करना पड़ेगा फॉर आवर ट्रूफल्स टू सेट विथ चॉकलेट. तो हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं. सो गार्निशिंग, क्योंकि इसमें गुलकंद है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ रोज़ पेटल्स. रोज पेटल्स हम लगा देते हैं इसके ऊपर. बहुत ही खूबसूरत बने हैं ये ट्रूफल्स. खूबसूरत के साथ बहुत ज़्यादा ये डिलिशियस है. ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं कुछ पेटल्स. साथ में मैं लगाऊंगी हमारी पिस्ता की कतरन. ओके, एंड आई विल, इस पे आप चाहें तो आलमंड भी लगा सकते हैं डायरेक्टली. थोड़ा थोड़ा आप स्प्रिंकल कर दीजिए. पास से देखिए कैसा लग रहा है, बताइए मुझे कमेंट्स में कि ये ट्रूफल्स कैसे लग रहे हैं. बहुत ही शानदार टेस्ट है इनका, क्योंकि इसमें गुलकंद है, डेसिकेटेड कोकोनट है. क्योंकि ये अभी तक सेट तो नहीं हुए हैं, बट लेट मी जस्ट गार्निश एंड शो इट टू यू ये कैसे दिखेंगे फाइनली. एंड इसको भी हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं विथ आवर रोज़ पेटल्स, क्योंकि हमने इसमें गुलकंद लगाया है तो ऊपर रोज़ पेटल्स का टेस्ट बहुत ही खास आएगा. एंड कुछ पिस्ता की कतरन इस पे भी डाल देंगे. एंड हम इसे वापस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, मे बी 1 मिनट फ्रिज में रख देते हैं. तब तक हम इसे हमारे प्लेटर में सेट करते हैं. सो आई विल जस्ट टेक इट टू द फाइनल प्लेस एंड शो इट टू यू. और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है. और यस, सो आज देखिए हमने सेटअप बिल्कुल दिवाली वाला कर रखा है यहाँ पे. तो पहले हम इसको लगाएंगे यहाँ पे दियों में. आई एम सॉरी, ऊपर से ये लगा देते हैं. ओके, कैसा लग रहा है बताइए. मितेश जी आपने अभी ज्वाइन किया है, मधुमिता जी बताइए कैसा, अच्छे लग रहे हैं या नहीं ये ट्रूफल्स. ओके, सो वन मोर आई विल पुट हियर. ओके, एंड लेट अस जस्ट ब्रिंग आवर अदर ट्रूफल्स जो हमने फ्रिज में रखे थे. लेट्स सी अभी वो रेडी हुए हैं या नहीं. आई होप हम इसको डिस्प्ले कर पाएंगे. थोड़ा टाइम लगता है इसे सेट होने में बिकॉज ये चॉकलेट है. सो लेट अस जस्ट सी. ऑलमोस्ट हो गए हैं. आई विल जस्ट कीप देम डायरेक्टली हियर एंड द अदर वन. थोड़ा सा और इसमें टाइम था सेट होने में, बट कोई बात नहीं. Like this. So, ये हमारा इस तरह से जो है ready हो गए हैं. And अब मैं आपको ये दिए जला के भी बताऊंगी साथ में.
and I will just get a stand for this. And कैसी लग रही है रेसिपी मुझे बताइए. कब बनाएंगे आप लोग चॉकलेट ट्रूफल्स? और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए इस रेसिपी को. एंड जब बनाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा. सो लेट मी जस्ट कीप दिस हियर एंड शो इट यू. ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड. इसे हम हटा देते हैं यहाँ से. इसको भी देखिए, प्रेजेंटेशन अगर अच्छा ना हो ऑफ एनीथिंग दैट यू मेक देन इट इज नॉट फन, यू नो. सो ये आप दिए कैंडल्स किसी भी तरह इसको दिवाली के टाइम पे सजा सकते हैं अपनी रेसिपीज को. वन मोर यू नीड टू लाइट अप. ओके सो आवर सेटअप इज रेडी. और हमारे ट्रूफल्स भी बहुत शानदार लग रहे हैं विद चॉकलेट एंड डेसिकेटेड कोकोनट. ओके एलिस जी, आप चाहते हैं आई शुड रिपीट द रेसिपी? सो आई हैव मेड गुलकंद एंड चॉकलेट ट्रूफल्स. फॉर दिस आई टुक अमूल घी अबाउट 2 teaspoons. आई यूज्ड अबाउट अ कप ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, रोस्टेड इट, एडेड सम सेसमी सीड्स, एडेड रोस्टेड आलमंड पाउडर. To this you can use cashew nuts. I added cardamom powder, then I added saffron milk, which is about 2 teaspoons. I added saffron, few strands of saffron to warm milk about an hour ago, so I added that. Then I added Amul condensed milk. It comes in the name of Mithai Mate. So I used 200 gram packaging today, out of which I used half, about 100 grams. And then I mixed it and I allowed the mixture to go to a warmer, like to a warm temperature, not exactly hot. And I made these balls, okay, these truffles, and I allowed them to cool and then rolled them in desiccated coconut, garnished with gulab ki pankhuris, that is rose petals, dried rose petals and pistachio slivers. And then I garnish some with chocolate, and then the above garnishing is the same. तो आप लोग देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लग रही है रेसिपी. आई रियली वॉन्ट टू नो. यस नुसरत जी, थैंक यू. शशि जी, थैंक यू. ये रेसिपी सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत बहुत शानदार है. मुँह में जाते ही घुल जाती है. तो आप इसको अपने लिए बनाइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. और मुझे फॉलो करना मत भूलिए ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक. एंड प्लीज़ शेयर दिस रेसिपी विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स लेटर. एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी लाइव के नीचे लिख सकते हैं. And thank you again for watching, and thank you Amul for giving me this wonderful, wonderful opportunity of presenting Gulkand and chocolate truffles. Thank you. Good night.